आपके साथ। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएसएफ ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1500 बांग्लादेशियों को रोका है। इनमें से 1000 लोग बिहार और 500 लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि शेख हसीना का आगे क्या प्लान है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बन रही अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। अंतरिम सरकार में 15 सदस्य होंगे। यूनुस आज दोपहर 2:30 बजे ढाका पहुंच गए। रात 9 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल होंगे। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।